ये अफवाह है। मैं पूरा दिन सागर विधानसभा में आज सुबह ही 9-10 बजे निकला हूँ और ये सब कह रहे हैं कि गायब है, कोई गायब नहीं है। मैं सागड़ा और चौरासी विधानसभा में प्रचार के दौरान मेरा संपर्क उनसे नहीं हुआ और उनका भी मेरे से संपर्क नहीं हुआ है। मैं प्रचार के दौरान था, लेकिन आज उनका कहना है कि हम तो बाप पार्टी का गठबंधन किया, उनका सपोर्ट करेंगे, हम भी करें। वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूँ। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन कर देते, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता, उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फॉर्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फॉर्म नहीं भरवाना था। ये सीधा राजस्थान बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षीय चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं, उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवियों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरी डंकी की चोट पे। सिंबल तो कांग्रेस ने मुझे दिया है, कांग्रेस का सिंबल तो मेरे पास है, तो आप बाप पार्टी का प्रचार किस तरह से करेंगे? बाप पार्टी को कांग्रेस के वोट कैसे दिलाएंगे? वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूं। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन कर देते, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता, उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह की बामणिया ने फॉर्म भरवाया? राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सभी होता है, कहने वाला अफवाह में कुछ भी उड़ सकता है। महेंद्र मालवीय जी जो मेरे प्रतिद्वंदी है, राजकुमार मेरा प्रतिद्वंदी है, तो ये दोनों ही मेरे प्रतिद्वंदी है। ऐसे ही 8 घोड़े मैदान में है मेरे समय